तो क्या दोस्तों, बिग बॉस मराठी के मेकर्स भी अब क्लियरली बिग बॉस हिंदी का ही रूल फॉलो करने लगे हैं? क्या ये लोग भी मिलकर, यानी कि बिग बॉस मराठी के शो के जो मेकर्स हैं, जो क्रिएटिव टीम है, जिनको इतना प्यार मिल रहा था कि भाई चलो बिग बॉस OTT3 का जो ट्रॉमा था वो आप लोगों ने हटा दिया, मतलब यार आपका शो बहुत बेहतरीन चल रहा था, मज़ा आ रहा था लोगों को देखने में, लेकिन अब एक चीज़ ऐसी होती है जिसके बाद बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई क्लियरली ये भी लोग वही कर रहे हैं जो हिंदी बिग बॉस में होता है, मतलब सेम फॉर्मेट रिपीट, सेम चीज़ें रिपीट, कुछ नया नहीं और मज़ा नहीं। बट इसके पहले के जो कुछ वीकेंड के बाहर गए, वहाँ पर रितेश देशमुख को लोगों ने सराहा, तारीफ़ की रितेश देशमुख की, कि भाई रितेश देशमुख ने वहाँ पर बात की है, उस मुद्दे पर बात की जहाँ पर बहुत सारे होस्ट बात करने से कतराते हैं, और अब दोबारा से वो भी बैक टू द पवेलियन वाला सीन लग रहा है, मतलब दोबारा से वो भी उसी तरीके की होस्टिंग कर रहे हैं जो इतने सालों से बिग बॉस में होती हुई आई है। मतलब यार एक कंटेस्टेंट को टारगेट बना लो, हर वीकेंड के बार पे उसी को टारगेट करो, उसी को उल्टा सीधा बोल लो, और फिर उसके बाद उसका मुंह बंद करवाने की कोशिश करो, ये जानते हुए भी कि उसके बीच में अगर उसका मुंह बंद भी हो गया तो फिर आपका शो फ्लॉप हो जाएगा। मैं बात करूँ निकी तंबोली की, इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है निकी तंबोली बिग बॉस मराठी 5 की, जिनकी वजह से मतलब कहा जा सकता है कि पूरे शो का दारोमदार जो है वो उन्होंने अपने कंधों पर ही संभाल रखा है फिलहाल। अगर निकी तंबोली नहीं होती बिग बॉस मराठी में तो शायद ही जो TRP शो को मिल रही है वो शायद ही उस लेवल पर होती और शायद ही बिग बॉस मराठी का इतना ज़्यादा जिक्र होता। इसके पहले ही बिग बॉस मराठी आता था, महेश मांजरेकर होस्ट करते थे, लेकिन इसके पहले कभी इतना बज़ नहीं बना था जितना इस समय बन गया है। तो निकी तंबोली को टारगेट किया जा रहा है, जाहिर सी बात है हर वीकेंड के बार पर उन्हीं को सुनाया जा रहा है, उन्हीं को समझाया जा रहा है, जबकि बिग बॉस के जो मेकर्स हैं, बिग बॉस मराठी 5 के जो मेकर्स हैं, जो क्रिएटिव टीम है, वो भी इस चीज़ से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है कि अगर निकी शांत हो जाती हैं तो पूरा शो ही शांत हो जाएगा। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।